तो भाई पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था इसकी शुरुआत के बारे में, इस गेम की के कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था। भाई पिछली बार हमारे मतलब काफ़ी छोटे थे उस टाइम पे हमारे यहाँ पे हमला हुआ था और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। उसके बाद में हम तो जैसे तैसे करके बच गए थे, लेकिन फिर उसी ने दाब जैसे जिसने हमारे पहली बार हमला किया था, लेकिन वहाँ से भी हम बच गए थे, अपने लोगों को ही बचाए थे। उसके बाद में हम अपने बेस पे आए थे और हमारी कोई साथ ही है रेनवी, उसने कही थी कि हमारे साथ दादाजी मिलना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, तो हमने तो कही थी कि हम मिल लेते हैं, लेकिन भाई उसने कही थी कि अभी उतना मिलो, जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो मिल लेना। हमने कही ठीक है जैसे तुम कहो। भाई पिछली वाली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लैग भी आया था, वो जब मतलब रिकॉर्ड हो गई हुई जब मुझे पता लगा तो थोड़ी सी गड़बड़ सी हुई थी इसमें, मतलब रेजोल्यूशन में और CPU की एनकोडिंग और बिटरेट वगैरह में, वो मैंने थोड़ा सा फिक्स कर दिया। वैसे तो इसमें लैग आने वाला है, अगर थोड़ा बहुत आया तो कोई नहीं, देख लेना, हल्का मोटा आया तो वो अगली वाली वीडियो तक फिक्स हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह। और उस दिन भाई मैं गेम नहीं लैग कर रहा था, गेम तो मेरा बिल्कुल सही चल रहा था, मुझे पता ही लगा इसलिए कि कुछ लैग वैग भी, अगर गेम लैग कर जाता है तो पता लग जाता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो मैं उसे सीख करने की कोशिश करता उसी टाइम। लेकिन भाई गेम में बिल्कुल एकदम सही चल रहा, बस रिकॉर्डिंग में लैग हो रहा था। या गया अपना कौवा अपने ऊपर बैठ गया, बढ़िया है, जैसे लगा जैसे वो फैलकन गया था उन्होंने पबजी वालों ने। भाई फिर मैंने थोड़ा सा गेम खेला था और उसमें मैंने जितने भी खजाने थे उनमें से एक को छोड़ के उसकी की वाला में, और वाला लाभ मुझे पता नहीं अभी कहाँ पे है, तो एक खजाना नहीं लूटा था और कुछ मिस्ट्री थी जो मेरी समझ में नहीं आई थी तो मैंने वो सोल्व नहीं करी। बाकी सब कुछ मैंने कर दिया, दो आर्टिफैक्ट बचे थे तीन में से, एक ही आर्टिफैक्ट मिला था वो भी किस्मत से, तो ये सब चीज़ रह रही हैं। ये इसके साइड मिशन टाइप है, जब मतलब मेन मिशन ना हो तो वो कर लो, वैसे इसका मेन स्टोरी से कुछ खास रहना है नहीं। उसमें भाई इतना ज़्यादा लैग आ रहा था ना, मैं बता नहीं सकता, मैं रिकॉर्ड तो कर रहा था लेकिन लैग उसमें बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं तुम्हें सोचा कि नहीं दिखाता, मैंने ऐसी डिलीट कर दी क्योंकि उसमें भाई हद से ज़्यादा लैग था। ये सामने लो 4-5 सेकंड में एक फ्रेम आ रहा है। आज हमें किसी को ढूंढने जाना है पहाड़ों में, तो भाई लोग फाइनली पहुँच गए हम वहाँ जहाँ हमें आना था, ये जो सामने जगह देख रहे हो तुम यहीं आना था हमें। तो भाई आगे अंदर यहाँ पता नहीं क्या है, अरे क्या दिया पीने को टपकी गए एकदम से, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। भैया ने तो कर दिखा गेम ओवर, तो मैं तुम्हें बताऊँ हुआ क्या था इस टाइम पे। तो भाई हम किसी ऐसे के पास आए थे, ये जो मतलब थी ये सपनों अपनों का मतलब बतावा है, और ये ऐसा है कुछ जादू वादू टाइप, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं थे बिल्कुल कुछ उस तरह से, और हम इसके पास आए थे अपने सपने का मतलब देखने, वो जो विजन आया था हमें उसे कुल्हाड़ी को छूने पे, वैन की कुल्हाड़ी को छूने पे जो विजन आया था उसके बारे में हमने इसे बताया। तो चलो उठ तो गए हम यहीं सी हट में, आगे चल के देखें क्या सीन है। तो भाई हमने उसके विज़न के बारे में बताया था कि हमने जब उसे कुल्हाड़ी को छुआ तो हमें एक विज़न आया था, उसमें एक वोल्फ था और वो था, मतलब हमने पूरा सारा कुछ बताया उसके बारे में, और थोड़ा सा हमने यहाँ के इसके बारे में भी जाना था कि ये सपना अपनों का मतलब बताया है, और कोई आंटी भी थी इसके पास वो कह रही थी कि मतलब इसकी आखिरी विंटर आ गई है, मतलब लास्ट ईयर यहाँ पर विंटर को माना जाता है ज़्यादा, तो इसकी आखिरी विंटर आ गया इसलिए मतलब अभी इसका गेम ओवर होने वाला है, लेकिन वो उसे बचा लेगी ऐसा कही थी। फिर उसने हमें कुछ पीने के लिए दिया था, तो हमने कही थी कि तुमने भाई कुछ ऐसा पहले भी करा था, उसने कहा हाँ एक बार ट्राई तो करा था किसी के ऊपर, तो वो थोड़ी देर मतलब ऐसे ही क्या कहते हैं अपने सपने वाली दुनिया में जा कर फिर वापस आ गया था उसे पीने के बाद। तो शायद से हम सपने वाली दुनिया में हैं और हम किसी सिगरेट को बुला रहे हैं। एक सेकंड, सिगरेट तो वो है ना वो जो मतलब अपने साथ ही है, मतलब राजा का लुंडा, अभी किसी घर से गंदा चला गए बड़े से, है तो ये पक्का सपनों वाली दुनिया, इतना तो मुझे पता लग गया। ये कह रहा है कि हमारी जो किस्मत है वो फिक्स है, वो कोई और तरीका नहीं है, किस बारे में पता नहीं। अभी तो आगे जाने लग रहे हम, ये कोई टपक गया शायद, एक सेकंड वही तो नहीं, अच्छा हाथ गिरा हुआ है किसी का, लड़ाई बड़ाई हो गई। हाँ और ये शायद पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं है भाई तो भाई जैसे हमने से छुआ ये एकदम से कहीं चला गया काफी दूर, और सामने से अबे इतना सा मीडिया कितना बड़ा दिख रहा मैं, तो वापस आ गए जिंदा होके इसके पास में। और मैं बताऊँ यहाँ पे हुआ क्या था, अभी पहले घोड़ा पकड़ लूँ एक, ऐसे हैं घोड़े वोड़े किसी काम के तो है नहीं, इससे बैठा तो अपना पैदल ही चल लो, जय जैसी बात पे के जाओ यार, ये आडिया वाले घोड़े नहीं है, यहाँ पे बंदा बेहतर है जो हम खुद हैं। हाँ तो चलो फिर मैं बताऊँ तुम्हें यहाँ पे हुआ क्या था। तो भाई इसने अपना पूरा जो विजन सा था इसे बताया था, जो मतलब सपनों का मतलब बताने वाली आंटी हैं, तो फिर इन्हें बताया था कि
इसका मतलब है कि तुम अपने भाई सीग्रेट को, सीग्रेट सीक्रेट जो भी नाम है उसका, उसे तुम ही मारोगे। तो इसने कही कि भाई ऐसा हो नहीं सकता, वही मेरा परिवार है, वही मेरा भाई है, वही सब कुछ है मैं, तो मैं ऐसा कह नहीं सकता। उसने कही कि इस सपने का तो यही मतलब है, चल दिए फिर वहाँ से। ये कह के ओडिन भी अपनी किस्मत के अगेंस्ट, अपने सपनों के अगेंस्ट लड़े थे। तो हम यहाँ राजा से मिलने आए थे, तो हम राजा से मतलब दुखी हैं इस बात से, हमारी राजा से कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ी थोड़ी, कि राजा तो ये चाहते हैं कि हम लड़े ना अभी, जो मतलब वो लोग हैं जिनसे हम बच के भी आए थे अभी हाल फिलहाल में, राजा तो चाहते हैं कि हम ना लड़ें अभी, लेकिन भाई हम चाहते हैं कि हम लड़ें और उनसे जीतें, क्योंकि भाई अभी तक हमारे पर वो वाला बर्डन है जो 17 साल पहले वाला था, अभी तक हम उसे मतलब उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मतलब उसका बर्डन है अभी तक कि उससे बदला लेने की सोचते रहे हम सारे टाइम। तो राज ने कही कि तुम ऐसा कुछ बर्डन मत रखो, और जब तक कहीं जा करो जब तक हम पावरफुल नहीं बन जाते, हमारे साथ में बहुत सारी ताकत नहीं आती, हमारे बंदे बहुत सारे नहीं हो जाते। लेकिन हमने कही कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम मतलब अकेले भी लड़ सकते हैं, उनसे जीत सकते हैं। लेकिन भाई राजा ने इस बात पे एग्री नहीं करा। और ये है सीगेट राय कलोंडा, और ये रेनवी जो है ये सीगेट की वाइफ है। तो अभी तो हमारे साथ वेलकम विजिट के बारे में पूछ रही है, मैं उसमें बताऊँ अब तक हुआ क्या था। तो ये आया था, तो हमने मतलब इसके जर्नी के बारे में पूछा कि तुम्हारा कैसा रहा हिसाब किताब सब, तुम्हारी यात्रा था कैसी रही। उसके बाद में हमने इसे वही बात बताई जो सबसे बड़ा टॉपिक है उससे दूसरे क्लैन वाले से लड़ने का, जिसने हमारे पे 17 साल पहले हमला करा था, जिसके दुख से हम आज तक नहीं उभर पाए। तो इसने कही कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो राजा, तो मतलब ऐसी हैं कि सोचते ज़्यादा हैं करते कम है, लेकिन अब मतलब समय बदलेगा और हम मिलके उस पर हमला करेंगे जल्द से जल्द। उसने राजा से भी आते ही सबसे पहले उसी के बारे में पूछा, तो भाई 2 साल पहले गया था यहाँ से और ये अफ्रीका से आया है अभी, काफी सारा सोना वोना पैसा वैसा लेकर। तो भैया हम सीगेट से मिलने आए थे, और ये जो इसके साथ में तो बंदे आए ना इजिप्ट से, वो भाई हिडन वंस हैं। ने मतलब असैसिंस का नाम पहले हिडन वंस रखा था, और इन्होंने हमें ब्लेड दिया है जो असैसिंस वाला ब्लेड नहीं होता, जो इनका सिग्नेचर ब्लेड हुआ है ऐसे करके निकला है हाथ में से, वो दिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि इसके साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, और ये एक्सीलेंट। I have not seen a blade so sharp. Some targets are trickier than others. Keep that in mind before you strike. A decent attempt. एक बंदा ऊपर है, समय लटक के बेलना है। और ये हो गया टेम्पलेट। A perfect strike. और ये, ओ भाई, ये बड़ा एंड लगा है। इस तरह से किल करना, तो अब भाई गुस्से में दुबक के असैसिनेट करना है। यह गार्ड लग रहा ये गया, ये भाई इसलिए के बंदे नहीं है, ये वैसे ही है मतलब पुतले टाइप। तो भाई यार हमारी अभी सीगर से बात हुई है, और जिस बात से हम परेशान थे उसका समाधान अब होने वाला है। तो भाई अब क्या कहते हैं, सीगर ने कहा कि हम अपनी पूरी जमीन वमीन ले लेंगे उनसे वापस, और जैसे ही अब मैं आ गया हूं, तो सूरज की पहली किरण के साथ हम भाई उन पर हमला करेंगे, और जितनी भी इन्होंने ज़मीन हमारे से ली है उससे लेके उनसे, और भाई अपने यहाँ जो साम्राज्य उसे बनाना शुरू करेंगे। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मजा आया तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो में।